नमस्कार। ऑनलाइन केमिस्ट्री टेस्ट केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ में सॉल्यूशन अर्थात विलयन पर जो टेस्ट लिया गया था उसके आंसर आज हम दे रहे हैं। आप भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है ओसमोटिक प्रेशर या परासरण दाब, दूसरा वेपर प्रेशर या वाष्प दाब, तीसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन, चौथा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात हिमांक में अवनमन। तो आपको बताना है कि कौन सा गुण जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में नहीं आता है। इसका सही आंसर होगा वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब, क्योंकि वाष्प दाब जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यदि इसके स्थान पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता तो वो जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाता। तो बच्चों ने इसको समझ नहीं पाए और जो है गलत आंसर दे दिया है, जबकि सही आंसर वेपर प्रेशर है। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन सेविंग सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड, अर्थात ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं। पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी समपरासरी विलयन, और चौथा आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन अर्थात समदाबी विलयन। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए क्या होगा और मिलाइए इससे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन समपरासरी विलयन यानी जिनके परासरण दाब समान होते हैं। फिर बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 20 सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर, इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 एंड आर इक्वल टू 0.0821। यानी 5% ग्लूकोज के विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर परासरण दाब ज्ञात करना है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको जो लगाना है वांट ऑफ इक्वेशन लगाना है और उससे हल करना है। आपको आंसर लिखिए, आप करिए इसको और मिलाइए। सही आंसर ये होगा 6.84 यानी जिसमें जो बी आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर है। आप देखिए इस ढंग से होगा, ये W 5 ग्राम है, M 180 है, अभी इस ढंग से निकालना आपको, R की वैल्यू दी है, T को केल्विन में किया तो 27 + 273 = 300 केल्विन। सारी वैल्यू जब हम इस फार्मूले में रखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पाई इक्वल टू 5/180 × 0.1 × 0.0821 × 300, तो आंसर आएगा 6.84। फिर है विच इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, अर्थात आदर्श विलयन का सही उदाहरण क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन है C2H5OH + H2, दूसरा HNO3+H2, थर्ड है एसीटोन+H2, फोर्थ है बेंजीन+टॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको नेचर देखना, इनका सेम नेचर के कौन से जो है कंपाउंड है, ये उसके हिंट है। तो करेक्ट आंसर होगा बेंजीन एंड टॉल्यूम। और लास्ट क्वेश्चन है राउल्ट के नियम का मैथमेटिकल डेरिवेशन का सही क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए इसको, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये, अर्थात जो ए ऑप्शन जो दिया है वो इसका करेक्ट आंसर होगा P0A - PA / P0A = XB, P
जीरो ए क्या है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो ये थे क्विज के आंसर। थैंक्स।